नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HMT ट्रैक्टर के सुहाने सफ़र की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आज आपको ट्रैक्टर में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कभी आपने HMT का नाम ना सुना हो। एक ज़माना था जब कहा जाता था ट्रैक्टर मतलब HMT। HMT का मतलब था हिंदुस्तान मशीन टूल। ये एक सरकारी ट्रैक्टर कंपनी थी। किसानों को इस ट्रैक्टर कंपनी पर पूरा विश्वास था, और हो भी क्यों ना, HMT में गजब की पावर जो थी। भले ही ये सरकारी कंपनी थी पर किसानों को इस ट्रैक्टर पर पूरा विश्वास था। तो चलिए यादों के कुछ पन्नों को पलटते हैं और बात करते हैं HMT के सुहाने सफ़र की। HMT एक सरकारी कंपनी थी जिसकी स्थापना सन 1953 में हुई थी। शुरुआत में यह कंपनी मशीन और टूल बनाया करती थी और ट्रैक्टर के कुछ पार्ट्स भी। लेकिन फिर सन 1971 में जीटर कंपनी ने HMT के साथ पार्टनरशिप की, जो कि एक यूरोपियन ट्रैक्टर निर्माता कंपनी थी। उसने HMT के साथ करार किया और पार्टनरशिप में ट्रैक्टर बनाने का काम शुरू कर दिया, और इस कंपनी का नाम पड़ा जीटर HMT। शुरुआत में ट्रैक्टर के ऊपर जीटर और HMT दोनों लिखा आता था, और HMT उन दिनों अपने पीक पर था। लेकिन फिर सन 1990 में HMT और जीटर का करार ख़त्म हो गया और एक नई कंपनी अस्तित्व में आई जिसका नाम पड़ा HMT। जीटर से अलग होने के बाद HMT ने कई सारे मॉडल बनाए, जैसे 4511, 5711, 3522, 5511, 7511, 3011, 5911 और 2522। लेकिन मुश्किल तभी आई क्योंकि HMT को ट्रैक्टर बनाने का तजुर्बा तो था, लेकिन उसे मार्केट करने का तजुर्बा नहीं था। उनको नहीं पता था कि ट्रैक्टर को किस तरीके से सेल करना है, और यही HMT से एक बहुत बड़ी भूल हुई। HMT को जीटर के साथ कुछ और दिन पार्टनरशिप करनी थी, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया, जिससे उनको सेल का अनुभव नहीं हुआ, और धीरे धीरे कंपनी का घाटा दिनों दिन बढ़ता ही चला गया। और आखिरकार वो समय आ ही गया जब सरकार ने HMT ट्रैक्टर को अलविदा कह दिया, और सन 2016 में हरियाणा में स्थित पिंजौर ट्रैक्टर प्लांट को बंद कर दिया। आज HMT कॉलोनी वीरान पड़ी हुई है। आखिरकार HMT क्यों बंद हुई? क्या ट्रैक्टर में कुछ कमी थी, या फिर HMT के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी? ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कंपनी बंद हुई है अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से। अब आप अक्सर देखते होंगे कि नई नई ट्रैक्टर कंपनी भारत में आती है और आते ही छा जाती हैं। इसका एक उदाहरण है जॉन डियर। अभी भी HMT के कुछ प्लांट्स वर्किंग है जो कि ट्रैक्टर के पार्ट्स और मशीन बनाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जीटर जैसे दिखने वाले ट्रैक्टर जिनके ऊपर हिंदुस्तान लिखा होता है, वह हिंदुस्तान ट्रैक्टर भी HMT ही बनाती हैं। दोस्तों, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बंद होने की कगार पर हैं। दोस्तों, हमने भी 1994 में HMT 2522 ट्रैक्टर खरीदा था, जो कि 2 सिलेंडर ट्रैक्टर था। वो हमारा दूसरा ट्रैक्टर था। उस ट्रैक्टर के साथ काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई थी। आखिरकार वो क्या वजह है जो प्राइवेट कंपनी खूब नाम कमाती है और सरकारी कंपनी बंद हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? जब प्राइवेट कंपनी ग्रो कर सकती है तो सरकारी कंपनी क्यों नहीं? सरकारी कंपनी क्यों बंद हो जाती है? इसका एक और उदाहरण है, जैसे BSNL। BSNL भी डूबने की कगार पर है। आपने जियो को देखा होगा या फिर एयरटेल आइडिया को देखा होगा, वो ग्रो कर रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि सरकारी कंपनी ही डूब जाती है? HMT ट्रैक्टर किसानों को सस्ते रेट में अच्छे ट्रैक्टर प्रोवाइड कराती थी। अब बस HMT का नाम ही रह गया है। कुछ किसान आज भी HMT को चलाते हैं। यदि आपके पास भी HMT है, या फिर आपने कभी भी HMT पर सफ़र किया है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा। और हाँ, आप ये ज़रूर बताएं कि अगली वीडियोज आप किसकी देखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।